I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. एक्चुअली ना हमारा एक मंथली टारगेट होता है और आप सब लोग चाहें तो वो पूरा हो सकता है। अरे सब लोगों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे पास टाइम कितना है? है सर 2-3 घंटे। बस फिर चिंता की कोई बात ही नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ तुम्हारा टारगेट पूरा करने के लिए। नहीं नहीं भाई, वो साड़ियों की बात कर रही है। उतारने की ना, तो उतार देंगे, हम कौन सा दुशासन से कम है। नहीं नहीं भाई, आप समझे नहीं, उसका साड़ियों का साइड बिजनेस है। साइड बिजनेस नहीं, मेन बिजनेस गगन जी। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट, ये साइड की बिजनेस बाद में, पहले मेन बिजनेस। हाँ बोल भाई। भाई मोती दरवाजे पे खड़ा छुपकर सब कुछ सुनने में लगा हुआ है। क्या अब क्या करें? हाँ तो ठीक है भल्ला साहब, आप अपनी वाइफ के लिए साड़ियाँ खरीद दीजिए और मैं अपनी वाइफ के लिए। लेकिन आप इधर बैठिए, आप उधर दूर बैठिए। हाँ आपको अपनी वाइफ के लिए साड़ियाँ खरीदनी ही पड़ेंगी। लवली जी साड़ियाँ दिखाइए ना प्लीज। अबे जुगनू। हाँ भाई। भगा ना उसको यार। जी भाई। ओ माय गॉड। अरे लिफ्ट में कुर्सी किसने उड़ा दी? कौन है? लिफ्ट किधर है भाई? कोई है? हाँ जी, आप देखिए ना, ये वाली देखिए। ये है बहुत बढ़िया। पिंक वाली और ये भी। गया भाई गया। अब चीजों जो आपने साड़ी पहनी है वो गया। अच्छा बहुत अच्छी है। थैंक यू। ये सबसे बेस्ट कलर है और इसके सिर्फ 4 ही पीसेस हैं। Excuse me, can I use your washroom, please? Sure. Yes, yes. आइए मेरे साथ। Sure. चलिए चलिए इस तरफ। Thank you. अबे तू कहाँ जा रहा है? अरे यार छोड़ दो। लवली भाई, शादी कब हुई मेरी? अबे तेरी सेफ्टी के लिए बोलना पड़ा। तेरी भाभी को शक हो गया है कि इस फ्लैट की डील नकली है। जासूस लगा रखे हैं उसने। चारों तरफ से घेर रखा है हमें। कौन कौन? एक साला। एक काम करो भाई, ये उठा अपनी दुकानदारी और निकल यहाँ से। ए तू भी निकल, दोनों निकलो, चाय वाय पी के आओ, जरा टहलो वहलो। मैं तब तक ये साड़ी वाली को निपटाता हूँ। जुगनू बेटा लेमन सोडा बना। लवली भाई ये आपको अच्छी लग रही है, हैं? अरे क्या हो गया आपकी टेस्ट को? मतलब? अरे मतलब बहुत चली हुई है, खुद ही बता रही थी। हा? एक दिन में 3-3 शिफ्ट मारती है। अरे भाई आपके लिए तो एकदम भोली मिस चाहिए। लेकिन पिंटू भाई तो बोल रहा था आज वाला मिस मार्केट में पहली बार उतरा है, टोटल फ्रेश। अरे यार जुगनू, हलवाई का ब्रेड का पीस और दल्ले की मिस दोनों फ्रेश कहके ही तो बेचे जाते हैं। अरे लेकिन पिंटू भाई। अरे यार झूठ बोल रहा होगा पिंटू भाई। लवली भाई उल्लू बना रहा है वो आपको। मैं आपको देता हूँ बहुत सारे दल्लों का नंबर, मस्त मस्त चपा चप। कौन आ गया? ओए जुगनू। जी भाई। दरवाजा खोल। जी भाई। हाँ जी। जी लवली भाई खन्ना का घर यही है? हाँ जी बोलिए। मुझे पिंटू भाई ने भेजा है। हाँ जी यही रहते हैं, आइए। थैंक यू। आप लोगों में से लवली भाई? तुम? एक मिनट, जा कर आई हो, बिल्कुल करेक्ट एड्रेस पे आई हो। और ये तुम क्या कर रहा है भाई? तू भी पिंटो भाई से सर्विस लेता है क्या? नहीं 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 भाई नहीं। तो फिर? वो एक्चुअली इनका चेहरा मेरी एक बचपन की दोस्त से बहुत मैच करता है, तो मुझे लगा वही है ये। अच्छा क्यों गगन? हाँ, लेकिन वो है तो नहीं ना? हाँ भाई वो नहीं है, तो वेरी गुड है, कंफ्यूजन ही क्लियर हो गया। वो जो है वो प्योर सर साड़ी बेचने वाली है, वो ये वाली चीज नहीं है, तो उसको जाने देते हैं ना, है ना? उसको मैं लेके जाता हूँ। ना 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 ना, ऐसे कैसे जाने दूँ? तू तो उसके लिए भी बोल रहा था कि बहुत चलिए भाई। वो तुम मैं हाँ भाई ये सही कह रहा है, वो ये वाली चीज नहीं है। अच्छा ओके चलो बैठो इधर, और तुम लोग निकलो निकलो, उठाओ अपना ताम झाम, चलो चलो बाहर निकलो। लवली भाई मेरी बाहर निकलो। ओए लेमन सोडा बना दो जी भाई। अर्ज किया है, मोहब्बत करने वालों का बस है इतना साफ साना, मोहब्बत करना और फिर अपने घर जाना है। वाह। एक मिनट वाह वाह वाह। हाँ क्या हुआ?
साड़ी वाली लवली भाई को क्यों पूछ रही थी? है? मुझे पूछ रही थी? हाँ। मेरे लिए आई होगी। तो आपको पिंटू भाई ने, तो उनको कौन से पिंटू? अबे क्या कर रहे हो? लेडीज पर्स खोल रहे हो? बैड मैनर। देख एक मिनट लगे बैठ सभी का। चेक चेक कर, खोल खोल। लालवानी ब्रदर्स एंड एसोसिएट्स इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ओजी डिकोस्टा। सर मैं घर में घुस चुकी हूँ और बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग कर रही हूँ, फुल रियलिस्टिक, यू डोंट वरी। बट सर, व्हाट रोजी? ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर बदलानी की बेटी ने मिस्टर भल्ला से चोरी छुपे शादी कर ली हो और वो भी इस फ्लैट के फ्रॉड में शामिल हो, है ना सर? रोजी रोजी रोजी। यस सर। अगर बदलानी की बेटी ने चोरी छुपे शादी कर ली होती तो ये फ्लैट का बखेड़ा ही खड़ा नहीं होता, भल्ला इन सब झमेलों में ही नहीं पड़ता। पॉइंट है सर, है ना? बस इसी पॉइंट पे काम करो। ओके सर, ओके सर। सर एक बात और है, यहाँ पर अबे चल क्या रहा है ये? कौन है ये? भाई आपकी चीज वो नहीं, ये है। वो कौन है? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव? अबे तो डिटेक्टिव को यहाँ क्यों बुलाया है? नहीं नहीं हमने नहीं बुलाया, उसे पूजा के बाप ने यहाँ भेजा है। नहीं नहीं यार, हो सकता है नीलम भाभी की जासूस हो। अभी अभी भाई ने बोला ना कि नीलम भाभी ने जासूस लगा रखे। अरे लेकिन वो बदलानी का नाम क्यों ले रही थी? हाँ तो हो सकता है बदलानी और नीलम भाभी का आपस में कुछ हो। अरे ये क्या आपस में बजूड़ी डिस्कस कर रहे हो? क्लियर क्लियर इधर बात करो। भाई 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 क्लियर क्लियर बात ये है कि बदलानी को शक हो गया और अंदर जो लड़की है ना वो उसकी कोई जासूस है। अरे यार, अरे भाई आपने फंसवा दिया मुझे उसके सामने शादीशुदा बोल के। अबे तो क्या हो गया, शादी तो वैसे भी फंसने का नाम है, पहले क्या और बाद में क्या। चलो 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 चलो। अरे यार ये तो गले में फंसी हुई हड्डी है, इसे न रोक सकते हैं न भगा सकते हैं। अबे ओ कृष्ण का नहीं, उठ के बैठ, मुट्ठी कर। ओई संभाल 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 संभाल। डालो 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 डाल डाल, खोल ना। तू दिया हो कितना खोलूं? लवली भाई आप बीच में मत कर, पता नहीं चला। खोल खोल जल्दी कर, डाल डाल। हो गया हो गया हो गया, छोड़ 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 छोड़। आप रुकिए रुकिए, लेट मी गेस लेट मी गेस, मिसेस मिसेस पवन भल्ला। जी नहीं, मैं रानी हूँ, मुझे पिंटू भाई ने भेजा है। पिंटू भाई? पिंटू भाई मतलब लवली भाई के साले। ओह इनसे मिलिए, ये हैं मिसेस लवली खन्ना। वो एक्चुअली भाभी है ना, भाई से नाराज होकर मायके चली गई थी और पिंटू भाई जो इनके बड़े भाई हैं उन्होंने समझा बुझा के इन्हें वापस लवली भाई के पास भेजा है। लवली भाई आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू लवली भाई। लवली भाई आई एम सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। मैंने आपसे छुपाया कि भाभी आज मायके से वापस आ रही है। मगर ये तो आपका घर है ना? हाँ है, नो डाउट, मेरा ही तो है। वो क्या हुआ ना कि भाभी मायके चली गई तो लवली भाई का मन घर में अकेले लग ही नहीं रहा था, इसीलिए वो मेरे पास रहने आ गए। भाभी की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या आप इन्हें कुछ साड़ियां नहीं दिलाएंगे? लेकिन बिल्कुल दिलवाएंगे, जरूर दिलवाएंगे, लेकिन पहले भाभी के हाथ की चाय हो जाए। भाभी इतने दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी हमने। हा? सबको एक एक कप चाय नहीं पिलाएंगी प्लीज? और भाभी के हाथों में वो जादू है कि पूछो ही मत। चलिए भाभी मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, चलिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय हो जाए। चाय बाद में, पहले सबको हलवा खाना पड़ेगा। क्या बात है भाई, काफी लोग जमा है, कोई फंक्शन वंक्शन है क्या? जी हाँ, हैप्पी बर्थडे है लवली भाई का। बर्थडे? ओहो खन्ना साहब क्या बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे लवली भाई। भाई नहीं, ओनली लवली, लवली खन्ना। हैप्पी बर्थडे लवली भाई। भाई पति को भाई? चार दिन लवली भाई लड़की मायके कह रहा है, पति को भी भाई बोलने लगती है। भाभी के चार चार भाई है ना, तो इनकी जुबान पे भाई शब्द कुछ ज्यादा ही चढ़ा हुआ है। अबे गगन तू बातें बनाता रहेगा या भाभी की मदद करेगा चाय बनाने में? हाँ चलिए चलिए चलिए, अभी मैं आपकी मदद करता हूँ चाय चढ़ाने में। मेरा हाथ तो छोड़ो। हाँ भाभी छोड़ता हूँ ना। हाँ छोड़। वेरी गुड खन्ना साहब। अच्छा केक ऑर्डर कर दिया? भाई इनसे पूछो, इनको पता है सब। केक ऑर्डर किया? चिंतन जी हम बाहर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसमें रिक्वेस्ट की क्या बात है, मुझे तो खुशी होगी, बताइए आप। प्लीज आप पीछे से हमारे घर का ख्याल रखिएगा, चोरियां बहुत हो रही है ना। हाँ ये समझ तो है। गए
हाँ समझ गए। हाँ तो आइए। ओके ओके ऑल द बेस्ट खन्ना साहब। आप आइए। ऑल द बेस्ट। ओके 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 ऑल द बेस्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू खन्ना साहब। मेरे लिए केक लाना मत भूलना। ऑल द बेस्ट। कुत्ते जेजी का बर्थडे। डॉक्टर दीदी मोटी। हेलो हेलो दीदी। अरे एक बार बताइए आज जीजा का हैप्पी बर्थडे है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, उनका बर्थडे तो चार साल में एक बार आता है 29 फरवरी को। पर यहाँ तो फुल बर्थडे की तैयारी चल रही है भाई। क्या बर्थडे? हाँ दो खूबसूरत सुंदर सुंदर लड़कियाँ भी आई हुई हैं। केक का ऑर्डर दिया भी मेरे सामने। मोती जी दीदी तू रुक वही, मैं आकर तेरे जीजा जी की मोमबत्तियाँ बुझाती हूँ, फिर कटेगा उनका केक। जल्दी कीजिए। हाँ ऐसा नहीं हो कि अंदर केक पे कट जाए, हम लोग चुप जाएं। चल हैप्पी बर्थडे जीजा जी। रानी जी। रानी जी। क्या रानी जी लगा रखा है? कोई भाभी जी कह रहा है, कोई रानी जी कह रहा है। अभी बहुत इज्जत मुझे इंसल्ट लग रही है, सीधे नाम से बुलाओ, समझे कि नहीं? ओके रानी आप चाय चढ़ाओ, मैं समझाता हूँ। चाय चढ़ाई नहीं जाती है, चाय बनाई जाती है। हाँ लेकिन चाय चढ़ाओ ऐसा कहा भी जाता है? कहा दारू चढ़ाओ जाता है, चाय बनाई जाती है। चाय भी चढ़ाई जाती है रानी? मैंने तो कभी नहीं सुना। हाथ सुन लो, मैं गलत बात कभी किसी की नहीं सुनती, समझा? चढ़ा ले चाय। अच्छा, चाय चढ़ाई नहीं जाती है, बनाई जाती है। आप चाय बनाइए, इस काम के 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। मेरी बात 10 की हुई है पिंटू भाई से। हाँ ठीक है, उस 10,000 के साथ में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। आप सब लोग यहीं रहते हैं क्या? मेरा घर है, सब लोग मेरे घर में क्यों रहेंगे? कोई धर्मशाला है क्या? सब अपने अपने घर में रहते हैं। कहाँ रहते हो भाई तुम? घाट को पर। मेरा तो भाई बंगला है वर्सोवा में। और गगन का विले पाले में अपना फ्लैट है। एक मिनट। हाँ क्या हुआ भाई? मैं तो वही काम करूंगी जिसके लिए आई हूँ। तो नहीं करवाएंगे आप? नहीं करवाएंगे हम वो काम। आप चाय बनाओ। अभी तो क्या लवली, आप बार क्यों चिल्ला? अभी तो क्या लवली भाई ने आज चाय बनाने के लिए बुलाया? वैसे बहुत तेजी से तरक्की की है इस लड़के ने, देखते ही देखते न जाने कहां से कहां पहुंच गया। चला था राह में अकेला ही, लोग जुड़ते चले गए, फ्लैट बनते चले गए। इतनी यंग एज में मुंबई जैसे शहर में खुद का इतना बड़ा फ्लैट, और वो भी फुल पेमेंट के साथ। कोई फाइनेंस, कोई ईएमआई का लफड़ा नहीं। डोंट टेल मी। या आई एम टेलिंग यू। अच्छा ये बताइए ये फ्लैट आपने कितने में लिया? हाँ क्या मैडम, इरादे तो नेक है ना आपके, कहीं रेट वेट डलवाने की तो नहीं सोच रही ना? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया था। नहीं जिस बारीकी से आपने मुझसे फ्लैट के बारे में पूछा ना, तो मुझे लगा या तो आप सेल्स गर्ल के भेस में कोई इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, या फिर कोई जासूस। क्या क्या पवन जी, आप भी मुझे पता नहीं क्या क्या बनाने पे तुले हुए हैं। अरे यही काम है इनका, किसी को कुछ भी बनाते रहते हैं, किसी को जासूस, किसी को भाभी, किसी को लाव। आप सबको बनाते हैं मगर आपको बनाने वाली दिखाई नहीं दे रही। कौन? आपकी लेडी लग। ओ ओ उसी की तो कमी है लाइफ में। मतलब शादी नहीं हुई है ना मेरी अभी। बट लवली जी तो अभी आपकी वाइफ के लिए साड़ी खरीदने के लिए बोल रहे थे ना, वो क्यों? हाँ एक्चुअली शादी हुई भी है और शादी नहीं भी हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं वो नहीं, बात ये है कि एक्चुअली हम लोग अभी लिव इन रिलेशनशिप में हैं, बट जल्दी शादी भी कर रहे हैं। और शादी होते ही रेस्टोरेंट टेंटन जी। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।